कभी आपने सोचा है दीदी कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में कब तक रह सकती हैं कि व्हाट हैपेंस टू द टीएमसी इन अ पोस्ट? डोंट वरी, आई हैव 3-4 मोर न्यू जनरेशन एंड टीएमसी के लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमारा 3-4 जनरेशन अभी है, वो बीजेपी को तपस्या करने दीजिए कब आएगा। आप खुद पॉलिटिक्स में कब तक रहना चाहते हैं? हम क्यों आपको बताएंगे? इट इज द पीपल्स डिसीजन। आप इस दफा 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे कि 1 सीट से? नंदीग्राम से लड़ना ये फाइनल है आपकी? पूरा फाइनल, हम जब कुछ कहते हैं वो हमारा फाइनल ही होता है। और आप, क्योंकि अब हम बहुत सारे काउंटर क्लेम सुन रहे हैं कि नंदीग्राम में क्या होगा। एक कहता है कि हम दीदी को हटा देंगे, अमित शाह ने आज कहा कि दीदी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएंगे नंदीग्राम। उसको लड़ने बोलिए ना उधर में, जैसे होम मिनिस्टर का बात करते हैं ना, शोभा नहीं देता। उसको बोलिए इधर में लड़ने के लिए, अगर वो जीत जाएंगे तो उसको हम स्वराष्ट्र मंत्री बना देगा बंगाल का। उन्होंने भी अपनी जिंदगी की तपस्या बनाई है कि बंगाल में भगवा झंडा होना चाहिए। ओहो, क्या है, पहले तो उनको तपस्या करने दीजिए, उसका तबीयत अच्छा रहे। एक जो आपका वोट बैंक डेंट करने की कोशिश हो रही है, वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं पॉपुलर करते हैं आपको टीवी में बोल के? नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं? आने चाहते तो खाने दीजिए ना, खाने दीजिए, आने दीजिए, बोलने दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब लोगों को नाम करके आप लोग पॉपुलैरिटी बना देता है। आपका वोट बैंक, आपको चिंता है कि वो स्प्लिट हो सकता है? हमारा वोट बैंक कभी स्प्लिट नहीं होगा, जुड़ेगा। ये लोगों ज्यादा दिन रहेगा ना, किसको बेच देगा? किसको तो ऐसे ही बेच दिया, BSNL को बेच दिया, सेल को बेच दिया, कोल को बेच दिया, रेल को प्राइवेटाइज करने जा रहा है, बैंक को बेच दिया, इंश्योरेंस को 74% बेच दिया, पोर्ट को भी बेच दिया, है कहा? और सब इंडस्ट्री को दिया? नहीं दिया, 1-2। वाह, हमें दो हमारा दो, वो एक स्लोगन था ना, इसी के एक स्लोगन उसको लगता है। ये चार्ज लग रहा है आप पे कि जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे किसी तरीके से आपको परहेज है? रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल, तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है, कौन सच बोलता है। आप लोग जो झूठा बोलते हैं उसका साथ कौवा बोले, क्या है ना, कौवा बोले, बोलो झूठ बोले कौवा, झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है। सुपर उत्तम का माफी कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफी छूटते हैं, देखते नहीं है क्या बोलता है क्या बोलता नहीं। आप ये बार बार कह रही हैं, मैं आपको भी और जो तमाम लोग आपको इस वक्त इंडिया टुडे पे आज तक पे देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि आप क्या सोचती हैं, आप क्या कहती हैं, हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए हम कोलकाता में आए हैं और आपकी बात सुन रहे हैं और सब लोग आपको देश में इस वक्त लाइव इंडिया टुडे पे, आज तक पे, हमारे तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक पे। तो आप ये मत सोचिए कि मीडिया डर रहा है, मीडिया नहीं डर रहा, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं और औरों को भी सुनाना चाहते हैं। देखिए मीडिया का डर तो है जरूर। वाह, ए हमको छोड़ दीजिए, आप जिसको भी एक चाय वाला की भी पहुंची पूछिए वो लोग बोलेंगे। आपका हिम्मत है इसी के लिए आप किया है, लेकिन कल आपको भरोसा नहीं है कि कल का आपका उधर में इनकम टैक्स भेज देगा कि नहीं देगा, वो आपको तैयार रहना चाहिए। अगर भेज भी देगा तो लीगली फाइट कर लो, डरना नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लिखते हैं वो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम ना डर रहे हैं ना मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं आपके साथ। हम राजदीप का केस में क्या हुआ बताओ? वो तो बेचारा 15 दिन से टीवी में हम नहीं देख रहा है, बताइए। वो तो एडिटेड गिल्ड भी किसको क्रिटिसाइज किया है। हम तो यही चाहते हैं, अगर मीडिया देश में नहीं रहेगी पावरफुल तो आम जनता का बात कौन करेंगे? मीडिया अगर पावरफुल नहीं रहेगा तो इनजस्टिस के खिलाफ में जस्टिस कौन देंगे? मीडिया जुडिशियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेमोक्रेटिक सेटअप। हम तो चाहते हैं मीडिया आगे बढ़े। अगर आप लोग चाहते हैं आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ हो रहा है, अरे हम लोग तो, हम लोगों को भी सोचो, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि आपको पास में नहीं खड़ा होगा, हम लोग पूरा खड़ा होंगे और आप लोगों को मदद करेंगे कि आप लोग सच्चाई के साथ लड़ाई करें। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।